बचपन से एक पेंटिंग का शौक हमें सबको रहते हैं, कलर के साथ खेलना। तो वैसे मेरे भी बचपन वैसे ही हुआ है, लेकिन जैसे मेरा जो बड़ा हुआ जो जगह था, तो वहाँ पर इतने फैसिलिटीज़ नहीं रहते कि वहाँ पर कोई स्कूल में जाए या पेंटिंग सीखे, ऐसा कुछ नहीं था। तो मेरा जो ऐसा हुआ कि स्कूल फ्रेंड जो रहते थे, तो स्कूल फ्रेंड को मैं देखती थी कि वो लोग कंपटीशन में जाते हैं, कोई जाते हैं तो ड्राइंग सीखने के लिए जाते हैं। तो मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि मैं किसी जगह पे सीख नहीं पाई, लेकिन मन में एक इच्छा रह गई कि मुझे भी पेंट करना है, मुझे भी सीखना है कुछ। तो वैसे टेंथ के लेके फिर ग्रेजुएशन करने के लिए मैं कलकत्ता आई। तो कलकत्ता आने के बाद ये मुझे महसूस हुआ या मुझे जानने को मिला कि ये आर्ट कॉलेज होता है जिसमें डिग्री होता है, मास्टर्स भी कर सकते हैं हम। तो ये मेरा कुछ जनरल लाइन का एक टीचर है, तो उन्होंने पहली बार कहा मेरा इंटरेस्ट देख के कि सुजाता तुम एक काम कर सकते हो, ऐसे कुछ आर्ट कॉलेज है तुम उसमें एडमिट हो लो, और वहाँ पर क्या होगा तुमको ये आर्ट सीखने को मिलेगा, फ्यूचर में तुम ये प्रोफेशन भी ले सकते हो। तो पहली बार मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिला था कि ऐसा होता है। और मेरा जो बचपन है ना वो विलेज में है, तो उसमें क्या है मैं नेचर बहुत सारी देखती रही हूँ। जब भी मौका मिलता है तो मैं नेचर के सामने चली जाती हूँ, तब देखती थी बस। तो जब मैंने पेंटिंग शुरू किया सीरियसली, तो मुझे पहले जब मैंने ब्रश लिया, ऑयल लिया और कैनवस लिया, तो फर्स्ट टाइम ही मुझे नेचर आने लगा। विदाउट नेचर तो कुछ नहीं रहेगा, नेचर के साथ कुछ और ऐड होता जाएगा, शायद ह्यूमन बीइंग भी आ सकता है, कुछ इमेज आ सकता है, लेकिन नेचर शायद मेरे साथ रह जाएगा। गोपाल घोष, राम कुमार, इन लोगों का जो लैंडस्केप मैं देखती रहती हूँ, राम की गोडेज है, तो विनोद बिहारी, इन लोगों का लैंडस्केप जैसे मैं देखती रहती हूँ, जैसे वैन गॉग का वो बोल्डनेस, उसका कलर, उसका वाइब्रेंसी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आइज़ल स्टोरीज इज रियली माई रियली वेरी गुड एक्सपीरियंस। आई एम प्राउड ऑफ इट कि मैं यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पर 6 डेज में यहाँ पर काम कर रही हूँ। ये मौका मुझको मिला क्योंकि ये एक्सपीरियंस सभी आर्टिस्ट को चाहिए कि एक साथ और कोई आर्टिस्ट रहे और हम एक साथ काम कर रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छा है आर्टिस्ट के लिए। मैं ये चाहती हूँ कि और भी अच्छे से काम यहाँ पर हो, और जैसे यह कैंप, ये रेजिडेंसी, वर्कशॉप, ये सब चलता रहे और मुझे भी आने का मौका मिलता रहे इन लोगों के साथ काम करने का।